हमें एक एल्गोरिथम मिल गया था, एक लॉजिक मिल गया था कि किसी भी नंबर का हाफ लो और वहां तक उसको डिवाइड करके देखो, अगर तो डिवाइड हो जाते तो प्राइम नहीं है, और अगर तो डिवाइड नहीं होता तो प्राइम है। मैंने एक वेरिएबल नंबर बनाया, एक वेरिएबल आई बनाया, एक वेरिएबल फ्लैग बनाकर उसमें मैंने जीरो रखा, उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, फिर मैं यूजर को कह रहा हूँ यूजर एंटर पॉजिटिव इंटीजर, यूजर एक पॉजिटिव इंटीजर एंटर कर रहा है, कुछ भी एंटर कर देगा। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा अगर तो यूजर ने वन एंटर किया है तो वहीं पर गेम खत्म कर देता हूं और कह देता हूं कि भाई वन इज नॉट प्राइम नीदर कंपोजिट, वन जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है नॉन प्राइम भी नहीं है, तो छुट्टी करो बस, ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि इफ ट्रू हो जाएगा, अगर तो इफ ट्रू हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा और आप एल्स में जाएंगे नहीं। एल्स में नहीं जाएंगे इसका मतलब अगला कोई कोड ही नहीं चलना, अगला सारा कोड एल्स में लिखा हुआ है, अगला सारा कोड एल्स में लिखा हुआ है। तो आपको बता दूं, हाईलाइट करके बता दूं, अगर तो यूजर ने वन एंटर किया है तो भाई ये जो मैंने हाईलाइट किया ना ये कोड नहीं चलना, ये सारा कोड एल्स में, ये कोड तभी चलेगा कि वन नहीं है। हम तभी चेक करें ना कि प्राइम नंबर है या नहीं है, अदरवाइज क्यों माइक्रोप्रोसेसर का टाइम वेस्ट करें। तो अगर स्टार्टिंग में हम पकड़ लें कि यूजर ने तो भाई वन एंटर किया था, तो हम कहते हैं वन प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लिटरली यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, और एल्स में जाना ही नहीं है क्योंकि कंडीशन ट्रू थी इफ की। हाँ, लेकिन इन बिलफर्स वन एंटर नहीं किया क्या, वन के अलावा कोई नंबर एंटर किया गया, तब आप एल्स में जाएंगे, फिर प्रॉपर प्रोग्राम चलेगा, है ना। यूजर से नंबर जब मैंने लिया था जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, वो नंबर किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, नाम के वेरिएबल, ओके ओके ओके। अब ये जो मैं फोर का लूप लगा रहा हूँ, ये फोर का लूप मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, टू से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये आई मैं इंटर नहीं लिख रहा क्योंकि आई मैंने पहले बना दिया हुआ था स्टार्टिंग में। अच्छा, ये नम डिवाइडेड बाय टू, यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया हुआ है ना उसको दो से डिवाइड करके आधा कर दो। यूजर ने अगर 50 एंटर किया हुआ है ना तो 25 कर दो, तो यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया ना उस नंबर का आप हाफ कर लो, और आपने फिर वहां तक जाना है, आई को आपने टू से स्टार्ट करके वहां तक लेकर जाना है, लेस और इक्वल का मतलब आपने वहां तक जाना है और एक एक करके जाना है। अगर तो फोर के लूप के अंदर आते हैं तो फोर के लूप के अंदर आके क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यूजर ने जो नंबर दिया हुआ है क्या उसका आई से मॉडुलस जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि क्या 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 वो पूरा डिवाइड हो रहा है। 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 41 प्राइम नंबर होता है, यस ओके 41 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या होता है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 9 होता है, नो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 3 पे रखते हैं, ये प्रोग्राम आपके सामने है, ये यूजर से मैंने कहा यूजर पॉजिटिव इंटीजर कोई डाल दो, यूजर ने कहा 29, नम के अंदर पड़ा हुआ है 29, सबसे पहले इफ को चेक करो क्या नम के अंदर वन पड़ा हुआ है, नम में पड़ा हुआ है 29, तो क्या नम में वन पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो एल्स में आएंगे, तो एल्स में जाके कहेंगे कि नम में 29 पड़ा हुआ, 29 ओवर 2 14, तो आई 2 से स्टार्ट होगा और 14 तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से चलेगा ये लूप। जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई में पड़ा होगा 2, नम में तो क्या पड़ा हुआ है, नम में तो यूजर ने दिया वो वही पड़ा रहेगा, यूजर ने क्या दिया था नम में, 29 दिया था, 29 का 2 से मॉडुलस 0 आता है, नहीं इफ की बॉडी नहीं चलेगी, 29 का 3 से मॉडुलस 0 आते हैं, नहीं 29 का 4 से मॉडुलस 0 आता है, नहीं 5 नहीं 6 नहीं, तो 14 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिस पे 29 जाना हो। तो इस तरह से आपने 2 से 14 तक तमाम नंबरों पर 29 को डिवाइड करने की कोशिश करके देख लिया, 29 नहीं डिवाइड हुआ और फ्लैग में क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था और 0 ही रहेगा। इफ की बॉडी एक बार भी ट्रू नहीं हुई, लूप 2 से लेकर 14 तक चलकर तसल्ली कर लिया, 29 को 2 से लेकर 14 तक हर नंबर ने डिवाइड करने की कोशिश की, 29 डिवाइड नहीं हुआ, इफ की बॉडी जो थी वो चली नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो फ्लैग में 0 था, 0 ही पड़ा रहा और 4 का लूप खत्म हो गया। अगर फ्लैग में 0 पड़ा हुआ है तो आप बता दो कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया था नम इज अ प्राइम नंबर, 29 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 के केस में क्या हो, 1 इज नॉट प्राइम नीदर कंपोजिट, ठीक, जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था तो 49 है, तो 48 तक, 2 से 48 तक डिवाइड करके देखो, अगर किसी पे जाता तो प्राइम नंबर है, इसको करके देखते हैं। 29, यस 29 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही कोड है, 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आपको नहीं समझ में आई ना मेरी इसकी, आप इस तरह से कर लो, कोई मसला नहीं है। यूजर ने नंबर के अंदर अगर 50 दिया हुआ है तो लेस का मतलब है कि 50 कंसीडर नहीं होगा 49 तक, आई शुड बी लेस देन 50, आई शुड बी 49 नॉट 50, तो 2 से लेकर 49 तक लूप चले, 2 से लेकर 49 तक का हर नंबर 50 को डिवाइड करने की कोशिश करे, अगर तो डिवाइड कर दे तो इफ की बॉडी ट्रू करके फ्लैग में 1 करके आप कह दो कि प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज आप कह दो प्राइम नंबर है।